नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट में आप अपना नाम कैसे चेंज करवा सकते हैं, हाउ टू चेंज योर नेम इन योर पासपोर्ट। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगा वीडियो, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रीजंस है जिसके कारण लोग अपना नाम पासपोर्ट में चेंज करवाना चाहते हैं। पहला रीजन है शादी के बाद फीमेल्स है वो अपना नाम चेंज करती है, उसका भी एक रीजन हो सकता है। डाइवोर्स के कारण भी लोग अपना नाम चेंज करते हैं, या बच्चे को एडोप्ट किया तो उसका भी सरनेम चेंज होता है, नाम चेंज होता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। स्पेलिंग एरर्स अगर रह गई नाम में, वो भी एक नेम चेंज रीजन का कारण हो सकता है। या आप किसी भी कारण से नेम चेंज करवाना चाहते हैं अपना, तो वो उस कारण से भी आप अपना नाम चेंज करवाते हैं। रिलीजन चेंज करके भी गेजेट सॉरी पासपोर्ट में आप नाम चेंज करवाते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, तब भी आप चाहते हैं कि भाई पासपोर्ट में और बाकी डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो सेम हो जाए, तब भी नाम चेंज करवाया जाता है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन ट्रेवल एंड आइडेंटिफिकेशन। कई बार ट्रेवल और आइडेंटिफिकेशन के कारण भी लोग अपना नाम चेंज करवाते हैं, जैसे पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स के नाम में इनकंसिस्टेंसी होती है, उसको ठीक करवाने के लिए नाम चेंज करवाते हैं। और कई कंट्रीज होती है जैसे आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स से पासपोर्ट में एंट्री इश्यूज, ये सब के कारण उस पॉसिबल डिनाइल ऑफ एंट्री हो सकती है, वीजा इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए भी करवाते हैं। अगर गवर्नमेंट में किसी फॉरेन कंट्री में आप जाते हैं, वहां के गवर्नमेंट बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ठीक होना चाहिए। या कुछ कंट्रीज जैसे बिना सरनेम के वीजा भी नहीं देती है, उन कंट्रीज में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों होना चाहिए। तो कई लोगों का जैसे लास्ट नेम नहीं होता है, वो भी अपना नाम चेंज करवाते हैं पासपोर्ट में और अपना सरनेम ऐड करवाते हैं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड की नाम चेंज कैसे करवाना है इंडियन पासपोर्ट में। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है तो आपको करंट पासपोर्ट अपने पास होना चाहिए, नाम चेंज का प्रूफ होना चाहिए, शादी हो सकता है, आपका डाइवोर्स का डिग्री हो सकता है, गैजेट में नोटिफिकेशन निकलवाते हैं। जैसे आप नेम चेंज करते हैं तो गैजेट नोटिफिकेशन पासपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। गैजेट नोटिफिकेशन कैसे निकलवाया जाता है, इस पे एक वीडियो है हमारा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ का आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होगी, और जो आप नेम चेंज के लिए कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर ऐड है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इनके बाद आप पासपोर्ट में नेम चेंज के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेप वन। अब स्टेप टू में की बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है, आपको विजिट करना है पासपोर्ट ऑफिस के लिए, उनकी वेबसाइट में विजिट करना है पासपोर्ट सेवा केंद्र की, उसके बाद में वहां पे एक अकाउंट क्रिएट करना है, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको लॉग इन करना है और सिलेक्ट अप्लाई फॉर अ फ्रेश पासपोर्ट या री इश्यू ऑफ पासपोर्ट पे आपको अप्लाई करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट के लिए, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है जिसमें आप नाम चेंज करवाने से, तो री इश्यू ऑफ पासपोर्ट में आपको जाना है। फिर आपको वहां पे एप्लीकेशन फिल करना है, जहां पे आपको री इश्यू ऑफ पासपोर्ट सिलेक्ट कर लेना है, रीजन फॉर नेम चेंज आपको सिलेक्ट करना है, और आपको अपनी डिटेल्स है वो एंट्री करनी है, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपको जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देनी है वेरीफाई करके, और नेक्स्ट स्टेप जो आता है वहां पे आपको पेमेंट करनी होती है, पासपोर्ट की जो रिक्वायर्ड पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देनी होती है, और साथ ही साथ आपको एक पासपोर्ट सेवा केंद्र पे आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। उस दिन आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ेगा आपको अपनी बायोमेट्रिक चेक करवाने के लिए, तो आप साथ के साथ ही वो डेट भी अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में विजिट करना है, वहां पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने हैं, साथ ही साथ वहां पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, फोटोग्राफ खींचा जाएगा, फिंगरप्रिंट्स या सिग्नेचर ये सब चीजें की जाएगी, और उसके बाद वहां पे आप अपना एप्लीकेशन होगा वो सबमिट हो जाता है। जब ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो पासपोर्ट जो प्रोसेस था वो आपका वहां पे कंप्लीट हो गया। अब क्या करता है पासपोर्ट अथॉरिटीज होगी वो आगे का काम करेगी। तो पासपोर्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन वो लोग प्रोसेस करते हैं बाय पासपोर्ट ऑफिस में, और उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है सारे डॉक्यूमेंट्स का जो आपने किया है, और उसके बाद में अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका केस भेज दिया जाता है, और वहां से पुलिस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीटली होकर के आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द पुलिस वेरिफिकेशन आपका पासपोर्ट इश्यू होगा नहीं होगा ये डिसाइड किया जाएगा। फाइनल स्टेप आता है कलेक्टिंग द पासपोर्ट। जैसे ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है कि भाई आपका पासपोर्ट है रेडी हो गया है, और उसको डिस्पैच कर दिया है कुरियर के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पे पासपोर्ट डिस्पैच किया जाता है, और उसको पासपोर्ट को आपको ले लेना होता है। यहाँ पे आपको अपडेटेड पासपोर्ट है वो मिल गया। तो ये पूरा प्रोसेस था पासपोर्ट का,
अभी देखिए, मैं आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पे ले जाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। ये passport.gov.in पासपोर्ट की वेबसाइट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एडवाइजर की जो पॉइंट है वहां पे हम आए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप फ्रेश पासपोर्ट लेते हैं या री इश्यू पासपोर्ट लेते हैं, तो फ्रेश पासपोर्ट लेते हैं उसमें भी एक रीजन रहता है नेम चेंज का, और री इश्यू ऑफ द पासपोर्ट रहता है उसमें भी एक रीजन रहता है नेम चेंज का। तो प्राइमरीली हम क्या करते हैं, री इश्यू के टाइम पे ये दिक्कतें आती है, तो मैं यहाँ पे री इश्यू वाला है वो आपको करके दिखाता हूँ। जैसे री इश्यू ऑफ पासपोर्ट यानी आपके पास पहले से पासपोर्ट है, आप नया पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो ऐप टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल तत्काल आप जो भी करना चाहते हैं, एप्लीकेंट कैटेगरी माइनर या एडल्ट जो भी है आप उसके हिसाब से डालना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप अगर आप गवर्नमेंट पीएसयू स्टेचुटरी बॉडी में करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो इधर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देना है। आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, अभी जो आपके पासपोर्ट में है वही एड्रेस रखना है या चेंज करना है, तो मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना है। फिर आता है इस एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। नॉन ईसीआर का मतलब है कि जब आप फॉरेन जाएंगे तो आपका इमिग्रेशन चेक नहीं होगा। ये इसके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पढ़े लिखा होना वहां पे जरूरी होता है, तो आपको अपनी पढ़ाई का एक फॉर्म और जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अब कंटिन्यू करके देखेंगे, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि पासपोर्ट आप रीइश्यू क्यों करवाना चाहते हो। तो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सनल डिटेल्स है, तो चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग डिटेल्स पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे चेंज ऑफ नेम पे आपको क्लिक कर देना है। चेंज ऑफ नेम पे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आ गई कि भाई मैरिज के कारण चेंज हो रहा है, डाइवोर्स के कारण चेंज हो रहा है, री मैरिज के कारण चेंज हो रहा है, और गवर्नमेंट या स्टेचुटरी बॉडीज है उनके एम्प्लॉइज नाम चेंज कर रहे हैं, या आप किसी इन ऊपर की किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है अदर्स पे। उसके बाद में आपको क्लिक करना है व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। अब ये लिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर के जाना है पासपोर्ट में नेम करेक्शन के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे गैजेट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी रिक्वायर्ड रहता है, तो आपको गैजेट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। गैजेट नोटिफिकेशन इश्यूड ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप लेकर के चले जाते हैं पासपोर्ट पे जाकर के सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आप अगर और भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा अकेडमी या हमारी वेबसाइट www.onlinenamechange.co.in पे विजिट करें। वहां पे आपको नेम चेंज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। किसी और की हेल्प लेने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद अपना नाम आप चेंज कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये सब थोड़ा सा आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को बहुत हेल्प होता है इन चीजों से। तो अगर मैंने आपकी हेल्प की है तो आप भी प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरा हेल्प जरूर करें। वीडियो देखने के लिए, कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग परीक्षा अकेडमी। थैंक्स अ लॉट।